तेको। तेको। ना दे ना दे ना दे। तो और फिर स्वागत है आप सभी का दैनिक शिफ्ट टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है और ये कहावत जो है आज हकीकत में देखने की एक मिसाल जो है वो नगरी के गूंद गाँव से जो है वो मिली है इस समय हम मौजूद हैं नगरी क्षेत्र के गूंद गाँव में यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अजीत सिंह है और उन्होंने ड्रीम इलेवन में जो कि आप सभी अपने स्मार्टफोन्स में गेम खेलते होंगे ड्रीम इलेवन की जो गेम है उसमें इन्होंने एक करोड़ रुपए जो है वो जीते हैं सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देंगे पूरी अपनी दैनिक शिफ्ट टाइम्स की टीम की तरफ से आ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक करोड़ रुपए जो है वो जीते हैं और कितनी खुशी है आपको कि अब आप एक करोड़ रुपए जीत चुके हैं आप तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इन एक करोड़ रुपये का सबसे पहले तो ख़ुशी तो चलो बहुत ज़्यादा है खुशी का को कोई ठिकाना नहीं है बाकी जो है पैसों की बात रही वो तो हम चलो बिज़नेस में थोड़ा काम बढ़ाएंगे जो काम है उसको ज़्यादा करेंगे जो अपने बच्चों का फ्यूचर है उसको देखेंगे और अपनी जो अपनी ख्वाहिशें वो पूरी करेंगे भाई और तो कितने समय से जो है आप इस गेम के साथ जुड़े थे कब से जो है गेम खेल रहे थे मैं ये मार्च आईपीएल स्टार्ट होने से पहले मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला कि यार तू भी एक ऐप कर डाउनलोड कर और उसमें खेल और तू भी गेम खेलता है तेरे को पता है कि कौन सा प्लेयर चलता कौन नहीं तो तू मैंने बोला यार मैं नहीं इस लफड़े में पढ़ना चाहता बोलते कुछ नहीं होता यार तू एक क्रिकेटर है तू भी खेलता है गेम तू कर कुछ नहीं होगा मैंने बोला चलो ठीक है उसने मेरे को ऐप दी डाउनलोड की आई डी बना के जो भी किया मेरे लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि कौन सा प्लेय लगाना उसमें मेरे को पता ही नहीं था मैं दो तेरह महीने तो ऐसे ही पैसे पैसे वेस्ट करता रहा एक टीम लगाई दो लगाई कभी आने कभी नहीं आने मैं परेशान हो गया मैंने बोला यार मैं नहीं करूँगा मेरे बस का रोग नहीं है बोलते नहीं नहीं तू खेलता जा आराम से तेरे को हो जाएगा फिर धीरे धीरे करते 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 आज पाँच छः महीने के बाद मैं चलो रब का शुक्र होगा कि मेरे को एक करोड़ का जो विनिंग प्राइज़ अगर आपने पैसे जीते हैं तो हालांकि बात है कि आपने हराए भी होंगे काफ़ी सारे पैसे हारे भी होंगे तो कितने समय से आप जैसे आपने बताया कि पाँच छः महीने से जो है आप गेम खेल रहे थे तो कितने पैसे भी जो है आप हार चुके हैं नहीं बेसिकली मैं तो पहले दो महीने तो कभी आते थे कभी जाते थे कभी उनचास चले जाते कभी साठ आ जाते मैं लेकिन ज़्यादा नहीं लगाता क्योंकि मेरे को पूरा नॉलेज नहीं था जब मेरे को दो तीन महीने नॉलेज हो गया उसके बाद फिर मैं थोड़ा मच्योर होता गया और मेरी जो गेम ना मेरे को लगता गया पता लगता गया तो मैं खेलता गया लेकिन मैं दो तीन टीम से ज़्यादा नहीं लगाता था परसों मैंने जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच था उस दिन मैंने लगाई चौदह टीम उस दिन भी मेरे को दो आया लेकिन उसके बाद फिर मैंने ना कल श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का मैच था उसमें मैंने छः टीम लगाई जिसमें दो उनचास वाली लगाई और चार लगाई उनतालीस वाली तो जो मेरा उनतालीस वाला तीसरी टीम थी वो मेरे नौ पॉइंट के नंबर वन पर थी जो मैं एक करोड़ का भी नहीं प्राइज़ बना किस तरह का माहौल बना था जब आप कल जीत रहे थे हालांकि देखते हैं कि रैंक ऊपर नीचे आते जाते हैं जब खेल रहे हो एक बॉल का एक रन का काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है तो किस तरह से माहौल था जब देख रहे थे फ़ोन में कि किस तरह से किस्मत जो है आपकी कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है तो क्या मतलब उस आ, समय का बताएंगे कि किस तरह से एक्सपीरियंस था आपका जैसे ही मेरा मैच स्टार्ट हुआ हम तीनों भाई बैठे थे मेरे चचेरे भाई ये भी बैठे थे मेरे पास हम देख रहे मैं बोल रहे यार गप शप लगानी है तू तो क्या फ़ोन में लगा रहता है मैंने बोला कोई बात नहीं आप अपनी गप शप लगाओ मैं करता वो बोलते हैं हम भेको थोड़ी ऐसे बैठे हैं मैंने बोला कोई बात नहीं बाकी जो रही बात मैच की जैसे जो मेरा वाइस कैप्टन था मैं बस वही दुआ करता कि ये नहीं आउट होना चाहिए अगर ये आउट हो गया तो फिर समझो मैं नहीं आऊँगा एक नंबर पर बाकी जैसे जैसे वो बढ़ता गया मेरे पॉइंट्स बढ़ते गए तो लास्ट में मैं मतलब मेरी टक्कर होती रही एक दो नंबर से कभी मैं नीचे कभी वो ऊपर ऐसे मतलब दस चालीस ओवर के बाद वो चलता गया सिस्टम लेकिन लास्ट में मेरा जब फोर्टी सेवन ओवर चल रहा था उसके बाद फिर मैं ऊपर ही रहा सारा मतलब नीचे नहीं आया कम से कम आठ दस पॉइंट उससे दूसरे बंदे से ऊपर ही रहा तो चलो रब की मेयर हुई और एक रोड कभी ऊपर तो आप एक करोड़ रुपए तो जी चुके हैं वैसे अगर बात करेंगे एक करोड़ से हटकर तो आप और क्या काम करते हैं मतलब अपने रोजगार चलाने के लिए तो किस तरह से काम करते हैं बस सर मेरा तो पोल्ट्री का काम है तो बाकी हम दिहाड़ी डालने लगाने वाले बंदे हैं किसान बंदे हैं क्या कर सकते हैं आप तो एक पोल्ट्री है छोटा सा डाला दो हज़ार दो हज़ार का बस वही काम है उसी पर स्टैंड रखते हैं वही करते हैं सर तो बहुत बड़ी बात होती है जिस तरह से मिडिल क्लास फैमिली से उठकर कर आना और जब इस तरह से एक करोड़ रुपए के इनाम जो है जब जीतते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो किस तरह से अब आप इसका जैसे यूज़ करेंगे आपने कहा कि बिज़नेस में पैसा लगाएंगे क्या सामाजिक कार्य भी करेंगे इस तरह से किसी गरीब बेटियों की शादी करवाएँगे या गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे इस तरह से है कुछ क्या करने वाले हैं बेसिकली वो तो हम पहले भी करते हैं वो हमारे गांव को भी पता हमारे इलाके को सारे पता कि हम ये जो चीज़ें हैं जो जैसे दान करना बेटियों की शादी में उसे हम कभी पीछे नहीं हटते थे वो सबसे पहले हमारा काम वो होता था वो हम करते थे और करते रहेंगे ये नहीं कि मैं पहले मेरे पास पैसा नहीं मैं तब भी करता था आज पैसा आगे आगे, आगे भी करूँगा जैसे अगर बात करेंगे ये एक ड्रीम इलेवन गेम जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से अगर बात करें तो एक जैसे छोटे बच्चे जो हैं आजकल वो भी काफ़ी सारे इसमें लुप्त होते जा रहे हैं तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे क्योंकि छोटी उम्र में भी जो है वो इस गेम में खेलने के लिए आगे हैं कि हम भी गेम खेलेंगे माँ बाप को कही न कहीं ना कहीं परेशान भी करते हैं कि हमें भी खेलना है तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए और क्या सही समय क्या रहना चाहिए गेम खेलने का बेसिकली मैं तो फ्री टाइम में मतलब लगाता था मेरे को पता था कि दो बजे मैं स्टार्ट होना है मैं कोई दो ढाई घंटे पहले जो अपना काम होता था छोटा मोटा ख़त्म करके उसके बाद मैं टीम लगाता था लगा के अपना टीम बाकी जो लोग बोलते हैं कि ये कोई सट्टाबाजी जो हो ऐसा कुछ नहीं है एक गेम बिल्कुल ओके है कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि किसी का पैसा मरा हुआ है चाहे गेम वाले जो फ्रॉड करते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो भी है बढ़िया गेम है बाकी किस्मत का खेल है तो ये थे हमारे साथ अजीत सिंह जी अब इनके साथ हमारे साथ इनके एक भाई भी हैं उनसे बात करेंगे ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੰਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੱਥ ਬੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰ ਚਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕਾਹ ਸੋਚਣਾ ਸਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਭ ਦੇਖਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਚਾਣੇ ਆਲੇ ਭਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਮਠੀਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹਾ

तो ये थे हमारे साथ उनके बड़े भाई इन्होंने कहा कि इनको भी कई बहुत ज़्यादा खुशी है कि इनके जो भाई ने एक करोड़ रुपया जीता है और इन्होंने जो अजीत सिंह जी हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जो है अब अपने बिज़नेस में भी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले भविष्य में जो है हम गरीबों के जिस तरह से काम करते आते थे उनकी बे, बेटियों की शादी करवाते थे उस तरह से सामाजिक कार्य भी जो है चलते रहेंगे और बच्चों को भी कहा है कि इस गेम से कहीं ना कहीं दूर रहें अगर जो छोटे बच्चे हैं और अगर बड़े हैं जो बड़े लोग खेलते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है ये एक आ, स्मार्ट गेम है और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होता है आज तक नहीं हो पाया है तो जिस तरह से खेलते हैं तो अपने दम पर खेलें क्योंकि अगर किसी का नुकसान होता है तो वो अपने दम पर होगा और अगर फायदा होगा तो वो भी अपने दम पर होगा ये एक किस्मत का खेल है तो इसी तरह से कई सारी हम आपको देश दुनिया की खबरें बताते रहेंगे तब तक के लिए बने रहिए दैनिक निक्षिप टाइम्स के साथ कठुआ नगरी क्षेत्र से सिद्धार्थ शर्मा जय हिंद जय भारत